पार्ट ऑफ इट विच इज हेल्दी फूड. आप लोग खाना खाते हो राइट, खाना आपको टेस्टी खाना भी अच्छा लगता है, सब अलग अलग तरह के खाने आप लोग खाते हो राइट. तो खाने खाते हैं हम लिविंग थिंग्स है इसलिए हम खाना खाते हैं. यू ऑल नो वी आर लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स नीड फूड वाटर एयर राइट. मैंने आप लोग को समझाया है कि जो लिविंग थिंग है जो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जा सकता है वो लिविंग थिंग बोला जाता है, और उसे जीने के लिए खाना खाना बहुत जरूरी है. मगर खाना हेल्दी होना चाहिए. हेल्दी इसलिए कि उसमें कोई पड़ा हुआ बासी खाना, जर्म्स रखे हुए खाना, वो सब खाना अच्छा नहीं है. किस तरह का खाना अच्छा है, कौन सा फूड हमारे लिए हेल्दी है, आज हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. और मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी कि कौन सा खाना हेल्दी है हमारे बॉडी के लिए राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड फूड, यू ऑल नो बिकॉज वी आर लिविंग थिंग्स राइट. हम लोग लिविंग थिंग्स है, जैसे मैंने आप लोग को बताया नॉन लिविंग थिंग डजंट नीड फूड. जो नॉन लिविंग है उसे फूड की जरूरत नहीं पड़ती है. वी नो दैट फूड इज इम्पॉर्टेंट एंड इट इज सेटिस्फाई. वो फूड हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें जब भूख लगती है तो सिर्फ भूख को मिटाना नहीं, हमें हेल्दी रखना, हमें ग्रो करना, हमें बढ़ते हुए भी वो हेल्प करता है, हमें हेल्दी रखता है. हमें ग्रो करना होता है तो हमें फूड की ज़रूरत होती है. हम 3 टाइम रोजाना रेगुलर खाते हैं, मगर फूड हेल्दी होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए राइट. वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी चाहिए. आज आप एक टाइम अगर नहीं खाना खाओगे तो दूसरे टाइम आप अपने आप को वीक महसूस करोगे, बहुत आपको वीकनेस फील होगी. आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी. आप चलते हो, जंपिंग करते हो, वॉकिंग, सिटिंग, रनिंग, स्विमिंग, प्लेइंग और डूइंग योर स्कूल वर्क्स. अब बॉडी यूजेस द एनर्जी. सब चीज़ें कैसे होती है, एनर्जी से होती है. हमें एनर्जी हमारे बॉडी में होती है तो हम ये सब एक्टिविटीज कर सकते हैं राइट ना. अगर एनर्जी नहीं होगी, आप एक दो टाइम अगर खाना आप मिस कर गए, आपने नहीं खाया, कुछ काम आ गया तो आप काम में पड़े रहे और आपने खाना नहीं खाया, तो आप दूसरे टाइम पे आप वीकनेस फील करोगे. आप 3 टाइम कौन सा खाना खाते हो, आप सुबह ब्रेकफास्ट लेते हो, दोपहर में लंच लेते हो, रात को डिनर लेते हो राइट. अभी आप सपोज कि दोपहर में आप बिजी हो और आपने खाना नहीं खाया तो रात को आपको ज़्यादा भूख भी लगेगी, आपको वीकनेस भी फील होगी ना. आप लोग का भी कई बार ऐसा हुआ होगा. मगर रेगुलर टाइम निकाल के खाना खाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क. हम जो अच्छा खाना खाएंगे, फ्रेश खाना खाएंगे, उससे हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम हमारा डेली शेड्यूल, डेली काम, जो हमारे रोजिना लाइफ में जो सब काम होते हैं वो हम कर पाए. इफ वी गेट एनर्जी आफ्टर ईटिंग तो वी आर सपोज टू ईट रेगुलरली राइट. वी गेट अवर बॉडी यूजेस अप एनर्जी टू ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट द फूड टू ईट. हमारा बॉडी को एनर्जी चाहिए और वो ब्लड सर्कुलेट करता है, खाना खाने में से ब्लड बनता है एंड कीप अवर हार्ट बीटिंग. हमारा हार्ट का पंपिंग, उस वजह से ब्लड बनता है, ब्लड का सर्कुलेट होता है, उस वजह से हमारा हार्ट का पंपिंग होता है. आप लोग देखते होंगे कि डॉक्टर्स के पास जाओगे तो स्टेथोस्कोप जो होता है, उनका जो मशीन होता है, उससे वो पहले लेफ्ट साइड पे हार्ट का बीटिंग चेक करता है ना. आप लोग कई बार डॉक्टर के पास गए होंगे, आपके पेरेंट्स आपको लेके गए, तो वो ब्लड हार्ट को पंपिंग के लिए हेल्पफुल होता है. मगर कब, जब हम अच्छा खाना खाए, एनर्जी वाला फूड खाए तब राइट. सो नाउ यू नो दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट. व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट मीन्स ऐसा भी नहीं है कि चलो ये चीज़ हमें बहुत पसंद है तो खा खाई करते रहना. नहीं, ये हमारे बॉडी को हार्मफुल होता है, इट हार्म्स अवर बॉडी. सो सब चीज़ें लिमिट में होनी चाहिए, इसलिए हमें बैलेंस डाइट करना चाहिए. बैलेंस डाइट इज अ दैट कंटेन्स द नेसेसरी न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड हेल्दी ग्रोथ इन द राइट प्रोपोर्शन. अपना जितना होता है कि हमें भूख हमारी मिटती है, हमारी जितनी क्वांटिटी, हमारी जितनी कैपेसिटी होती है, जितना प्रोपोर्शन होता है उतना हमें खाना चाहिए.
ऐसा नहीं कि चलो ये चीज बहुत पसंद है तो खाया आज करो जैसे बाद में आपने मिलने ही नहीं वाली, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें लिमिटेड सब खाना चाहिए जिससे हमें बैलेंस हमारा डाइट रहे। ज्यादा खाने से भी हमारा पेट बिगड़ सकता है, हमें हार्मफुल होता है हमारे बॉडी को, राइट। नाउ व्हिच टाइप्स ऑफ फूड डू यू ईट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हेल्प्स इन डिफरेंट वे। सब तरह के फूड्स होते हैं, एक में प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, विटामिन्स मिलता है, फैट मिलता है, मिनरल्स मिलता है। सब तरह के फूड्स में अलग 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 वेराइटीज होती है, किसी में फैट ज्यादा होता है, किसी में विटामिन होता है, किसी में प्रोटीन होता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये सब नाम साइंटिफिक नेम्स आते हैं। द फूड वी ईट प्रोवाइड्स अस विद ऑल दिस थिंग्स। ये सब चीजें जो मैंने बोली, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब फूड में प्रोवाइड होता है, ये सब चीजें फूड में होती है। हम किस तरह का खाना खाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का प्रोटीन, किस तरह का फैट, कार्बोहाइड्रेट सब कैसे मिलता है, राइट। द काइंड द फूड वी ईट मेनली डिवाइडेड इन टू थ्री ग्रुप्स में डिवाइड होता है हमारा फूड, आपको मैंने पहले भी बताया। तो काइंड ऑफ फूड वी शुड ईट एवरी डे, सब कौन से तरह का खाना हम रोजाना खाते हैं। रोजाना खाने में भी तीन टाइम होता है, राइट, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो ब्रेकफास्ट में कई लोग मिल्स लेते हैं, कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं, फिर एप्पल खाते हैं, सबकी अलग अलग स्टाइल होती है। तो उससे हमें क्या प्रोटीन मिलता है, कौन सा मिनरल मिलता है, क्या फैट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ये सब उस पे डिपेंड होता है। द फूड वी ईट, कौन सी तरह का फूड हम खाते हैं वो हिसाब से हमें उस तरह का प्रोटीन हमारे बॉडी में मिलता है, राइट। हाउ मच ऑफ विच काइंड ऑफ फूड शुड वी ईट एवरी ईच डे, हमें कितना फूड खाना चाहिए रोजाना ईट एक टाइम पे। एक टाइम पे हमें 2 से 3 सर्व्स, यानी बच्चों को दो चपाती है कि 3 चपाती है ऐसा खाना चाहिए, बड़ों को 5 से 6 खानी चाहिए, ये एक लिमिट होती है। और वो लिमिट ऐसा नहीं है कि बोला या नहीं कर दिया, कई बच्चों 2 से ज़्यादा खाते हैं, 3 खाते हैं, और आपकी कॉन्टेंट्रेट इतने में फिनिश भी हो जाएगी। आप इतना खाओगे ना तो आपको अच्छा वो ऐसा भी लगेगा कि आई हैव फिनिश माय हंगर, मेरी भूख मिट गई है, आज 2 चपाती खाए हमारी भूख मिट गई, राइट। नाउ you can see that on the page number 175 there is a chart of a meal, right. Now see that you eat, as I told you, you all eat 3 times in a day, breakfast, lunch and dinner, right. We must drink at least 6 to 8 glasses of water. Kitna pani peena chahiye rozana? 6 se 8 glass rozana pani peena chahiye. Rozana itna pani hamare body ko zarurat padti hai. Needs energy. हम भागते हैं तो स्वेटिंग होता है, पसीना होता है, स्वेट मींस पसीना होता है, वो सब पानी जो बाहर निकलता है, और हमें प्यास लगती है, गला हमारा सूखता है, तो पानी बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, राइट। दिस इज बिकॉज वाटर सपोज द बेस्ट मेडिसिन टू क्लीन अवर बॉडी, पानी सबसे बेस्ट मेडिसिन है हमारे बॉडी को क्लीन रखने के लिए, राइट। And also helps in digestion of food. और वो digest, food digest करने में भी हमें काम लगता है। आप देखते हो आप लोग खाना खाते हो, कभी भी दोपहर में आप लोग ने खाना खाया, दाल भात सब्जी रोटी, राइट, उसके बाद कंप्लीट करने के बाद आप लोग पानी पीते हो, राइट, तो पानी हमें फूड डाइजेस्ट करने के लिए भी काम आता है, समझे, वो हमें सब तरह से काम आता है। Then, you can see on the page number 177, a balanced diet is just a beginning but form the base of good eating habit. Balanced diet एक नाम है जिससे हम हमारा food का balance maintain करते हैं, हमारी habit जो होती है वो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, चलो आपके सामने एक तरह की sweets रखी है, कि जलेबी रखी, कि मिठाई रखी, जो आमतौर से बच्चों को बहुत पसंद आती है, chocolates रखी, तो ऐसा नहीं है कि चलो वो chocolates पूरा दिन आप सिर्फ chocolates ही खाते रहो, तीनों टाइम डिफरेंट और प्रोटीन दे ऐसा खाना जरूरी है। आप देखते होंगे कि आपके मम्मी या आपके डैडी या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको घर पे डांटते होंगे कि खाना खाओ आपका बॉडी वीक हो गया है, क्योंकि खाना हमें एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन सब देता है। सिर्फ नाश्ता, सिर्फ आपकी मनपसंद की चीज खाना जरूरी नहीं है, यू नीड ऑल द विटामिन, ऑल द प्रोटीन्स, ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स,
आपको रोजाना 3 टाइम अच्छे से पेट भर के खाना चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट, आज दोपहर आज सुबह आपने नाश्ता किया, दूध पिया नाश्ते में, तो दोपहर में आपको दाल भात सब्जी रोटी ये सब भी खाना चाहिए जिससे हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, राइट? दैट वे यू हैव टू ईट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स. हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट इन अ डे? आप लोग कितने टाइम पे खाते हो दिन में? 3 टाइम खाते ही होंगे, राइट ना? आपकी मम्मी आपको 3 टाइम खाना देती है ना, आप स्कूल जाते हो तो बोलती है मिल्क पी के जाओ, ग्लास ऑफ मिल्क पी के जाओ, एप्पल खा के जाओ, ऐसा बोलती है कि नहीं, राइट? Then some people do not eat animal food like eggs, meat and fish. They are called vegetarians. ये सब जो चीजें मैंने कही, meat है, egg है, ये सब non-veg की चीजें होती है. कई लोग भी खाते हैं और जो लोग भी खाते हैं उन्हें vegetarians बोलते हैं. Vegetarians people होते हैं वो non-veg वाली चीज नहीं खाते हैं, egg, meat, fish ये सब नहीं खाते हैं. It is important that vegetarians eat cereals, pulses, fruits, vegetables, green leafy vegetables. सब तरह के, ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉन वेज खाने से ही हमें ताकत मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा, मगर लीफी ग्रीन ग्रीन कलर के सब्जी होते हैं, पालक की भाजी है, तांदले की है, मेथी है, राइट? ग्रीन सब्जी जो होती है वो खाने से भी हमें प्रोटीन और ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है. They show also, they all should also have milk and milk products. हम मिल्क तो सब पीते हैं, मिल्क प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है एवरीडे के लिए, मिल्क रोजाना पीना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है. There are many more points which need to keep in mind for our diet and beneficial. बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो हमें जरूरी होते हैं हमारे डाइट के लिए, राइट? It has been scientific proven that 10 minutes walk every meal helps digestion of the खाना खाने के बाद आपको 10 मिनट आप जो चलते हो, कभी कभार आपने देखा होगा कि आपके घर में आपके बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो खाना खाने के बाद वॉकिंग के लिए जाते हैं, बोलते हैं मैं थोड़ा वॉकिंग करके आता हूँ तो खाना हजम हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, बोलते हैं ना. तो इट इज साइंटिफिक रीजन कि खाना खाने के बाद जो 10 मिनट आप वॉकिंग करोगे ना तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट और अच्छे से हजम हो जाएगा. ओके, here I have written some points to remember. Remember means आपको माइंड में सिर्फ रखना है कि और आपको हमेशा याद रखने हैं कि ये पॉइंट्स याद रखने से आपके खाने में बेनिफिट्स होते हैं, राइट? We all need food and water to stay alive. हमें जीने के लिए खाना और पानी बहुत जरूरी है. Food gives us energy, builds our bodies and help us to grow. Food हमें एनर्जी देता है. मैंने जैसे बोला कि एक टाइम भी आप खाना नहीं खाओगे तो आप दूसरे टाइम पे अपने आप को वीक फील करोगे, लूज फील करोगे. तो खाना हमें एनर्जी देता है, हमारे बॉडी को ग्रो करता है. हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं आप देखोगे तो अच्छे से खाना बराबर टाइम पे खाते हैं तो ग्रो होते होंगे. दे हेल्प अस टू ग्रो, राइट? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव मिनरल्स एंड विटामिंस. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिनरल्स होते हैं एंड विटामिन्स होते हैं, वो खाना बहुत जरूरी है. फ्रूट्स में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रोजाना खाने से अच्छे होती है. वेजिटेबल्स ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, वो खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, हमें अच्छी ताकत मिलती है. वी शुड ड्रिंक वाटर रेगुलरली. मैंने जैसे बताया कि आपको पूरे दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पीना बहुत जरूरी है. आप लोग पीते हो? You should. अगर नहीं पीते हो तो आपसे रेगुलर ध्यान रखे रोजाना 6 से 8 ग्लास पानी तो जरूर पीना. जितना पानी पियोगे इट विल वर्क एज अ मेडिसिन एंड योर फूड विल आल्सो गेट डाइजेस्ट वेरी नाइसली. ओके, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हमारे हाथ और मुंह बराबर से धोने चाहिए, क्योंकि खाना हमें हाथ से खाना होता है. अगर आपके हाथ गंदे होंगे, आपके नाखून कटे हुए नहीं होंगे तो उसमें मैल होगा, उसमें डर्ट होगा और वो डर्ट आप खाना हाथ से खाओगे तो मुंह में जाएगा एंड इट विल मेक यू फील सिक. आप बीमार हो सकते हो. इसलिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद जब आपके गंदे हाथ है तो वो आपको अच्छे से सैनिटाइज करके वॉश करने हैं, राइट? तो आए दिन व्हाट्सएप दिखाते हैं आपको खाने के टाइम पे और खाने के बाद दोनों.
टाइम पे हाथ और मुंह अच्छे से धोना है. मेक श्योर दैट फूड इज फ्रेश एंड नॉट एक्सपोज टू जर्म. आप जो भी खाना खाते हो आपको ध्यान से देखना है कि वो खाना अच्छा है. अगर आप फ्रूट खा रहे हो तो वो धोया हुआ है, फ्रेश है, उस पे बहुत सारे मक्खियां नहीं बैठी है, वो एक्सपोज और डर्ट नहीं है, जर्म्स उस पे नहीं बैठे हैं, वो सब क्लीन रखा हुआ है. कहीं भी आप फ्रूट सेलर के पास से कोई भी फ्रूट ला रहे हो कि वेजिटेबल्स ला रहे हो तो उसे धो के अच्छे से साफ करके फिर खाना चाहिए. जैसा तैसा उठा के सीधा खाने लगना ऐसा नहीं होना चाहिए. इफ यू कीप योरसेल्फ क्लीन यू विल बी वेरी मच हेल्दी. चैप्टर का नाम है हेल्दी फूड. अगर आप जितना हेल्दी फूड खाओगे आप बीमार कम पड़ोगे. ओके ना, राइट ना. सो आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द हेल्दी फूड पार्ट 2 ऑफ यूनिट 4. आपको अब से तो मैं समझती हूँ कि मैंने इतना समझाया है, तो आप जब भी आपकी मम्मी के साथ मार्केट जाओ कि कोई भी चीज खाओ उससे पहले आप देखोगे कि वो फ्रेश है, अच्छी है, रोजाना 3 टाइम पे अच्छे से खा